हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्राई बाय कुणाल सर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, इस वीडियो में हम एक खास तरह के सेंटेंस को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, खास तरह का सेंटेंस वो है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए आपको दो तरह का सेंटेंस दिख रहा है, दूध उजला होता है और दूध उजला है। फिर आप देखिए फ्रेंड, दूध मीठा होता है, दूध मीठा है। तो इन दोनों सेंटेंस के बीच में क्या अंतर है फ्रेंड? क्या हम इस तरह के सेंटेंस को, जैसे आप यहाँ देखिए दूध उजला होता है, तो क्या हम लिख सकते हैं दूध उजला है या नहीं लिख सकते हैं? यदि हम लिख सकते हैं तो दोनों के बीच में क्या अंतर है, और फिर हम जानेंगे कि आखिर इसमें इन दोनों सेंटेंस के बीच में क्या बोला जा रहा है फ्रेंड। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों के बारे में जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड, आप इस वीडियो पे जो है अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। देखिए फ्रेंड, यहां पे आपका लिखा हुआ है कि जिस वाइक के अंत में होता है, रहता है, लगता है इत्यादि रहे और ऐसे वाक्यों से किसी का स्वभाव सूचित हो तो उनकी अंग्रेजी इज एम आर से बनेगी। ठीक है फ्रेंड, आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे बोला जा रहा है कि यदि आप सेंटेंस के अंत में ये सब वर्ड आपको यदि मिलेगा और इन सब वर्ड से यदि आपको उसका स्वभाव जो है मतलब कि सूचित हो, ठीक है, तो उनकी अंग्रेजी जो है हम इज एम आर से बनाते हैं। चलिए फ्रेंड, ये तो ठीक है। तो अब चलिए हम लोग अंतर को जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड, यहां पे लिखा है दूध उजला होता है। ठीक है, दूध उजला होता है और दूध उजला होता है से फ्रेंड, ठीक है, यहां पे हमको ये पता चल रहा है कि दूध का उजला होना जो है उसका नेचर है, उसकी प्रकृति है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम इसकी इंग्लिश जो है जब बनाएंगे तो उसमें हम इज एम आर का यूज करेंगे फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि ये जो है यूनिवर्सली बात कर रहा है यहां पे। ठीक है, ये पर्टिकुलर खास दूध के बारे में नहीं बात कर रहा है। ठीक है, ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है आपका। ठीक है, चलिए इस सेंटेंस को हम देखते हैं। क्या हम इस तरह का सेंटेंस लिख सकते हैं, दूध उजला है? आप जरा सोच करके बताइए, क्या हम ऐसा कभी बोल सकते हैं कि दूध उजला है? फ्रेंड, इसको आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, यदि आप मार्केट गए हैं सपोज दूध लेने के लिए, ठीक है, और आप दूध लेकर के आए, तो क्या आपसे किसी ने यह पूछा है कि तुम जो दूध लाए हो तो वो सफेद है कि नहीं, उजला है कि नहीं? आप मुझको बताइए, क्या आपसे किसी ने भी ये क्वेश्चन किया हुआ है? वो पागल ही होगा जो इस तरह का क्वेश्चन करेगा कि दूध उजला लाए हो कि नहीं लाए हो, क्योंकि ऐसा पूछ ही नहीं सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस जो है दूध का उजला होना तो ये प्रकृति है, नेचर है। ठीक है, हम कभी नहीं पूछ सकते हैं। क्या आप कभी पूछिएगा कि क्या दूध उजला है कि नहीं है? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो उस हिसाब से फ्रेंड ये सेंटेंस जो है हम लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से जो है इस सेंटेंस को जो है लिखा ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि इस सेंटेंस का जो है हम यूज भी नहीं कर सकते हैं फ्रेंड। सपोज मान ली जाए कि ये दूध खास है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको जो है एक ग्लास दूध मिला हुआ है। ठीक है, एक ग्लास जो है वो आपको दूध मिला हुआ है, तो उस समय भी हम नहीं पूछ सकते फ्रेंड कि आप जो दूध पी रहे हैं वो उजला है कि नहीं है। जस्ट समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है फ्रेंड वो लिखा ही नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस जो है दूध उजला होता है ये बात कर रहा है पूरा नेचर का, यानी कि इसकी प्रकृति का, कि दूध जो होता है, ठीक है, वो मतलब प्रकृति रूप से जो है वो क्या होता है, उजला होता है। ठीक है, उजला मतलब कि था पास्ट में, उजला है और उजला रहेगा, इससे ये बोध होता है फ्रेंड। ठीक है, तो आप इसको जो है इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। गॉट इट, ये तो क्लियर हो गया फ्रेंड। चलिए आइए दूसरा सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। दूध मीठा होता है, दूध मीठा होता है। तो यहां पे देखिए दूध मीठा होता है ये भी यूनिवर्सली बात कर रहा है, यानी कि दूध जो होता है वो मीठा होता है। ठीक है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन फ्रेंड यहां पे देखिए दूध मीठा है, यहां पे ये जो है सभी जितना भी दूध होता है उसके बारे में ये बात कर रहा है कि ये जो दूध जो है वो मीठा होता है, लेकिन यहां पे फ्रेंड बात कर रहा है दूध मीठा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो ग्लास लेकर के बैठे हैं, ठीक है, उस दूध का बात कर रहे हैं आप। ठीक है, किसी खास दूध के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके हाथ में आया हुआ है। ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब यही हुआ। तो इसका जो है इंग्लिश अलग तरीके से बनेगा फ्रेंड, और इसमें जो है कुछ चीज और एड हो जाएगा। ठीक है, दोनों जो है एक तरह से आप नहीं बना सकते हैं। गॉट इट, समझे? चलिए आइए फिर यहां पे देखिए तीसरा तरह का सेंटेंस, पानी ठंडा होता है। तो फ्रेंड पानी ठंडा होता है, पानी का नेचर ही होता है आपका ठंडा होना, लेकिन जैसे ही आप करेंगे कि पानी ठंडा है,
ठीक है, तो फिर ये दोनों सेंटेंस में जो है काफी अंतर हो जाएगा फ्रेंड। ये जो जिस पानी के ठंडा होने के बारे में बात कर रहा है, यहां पे पूरा यूनिवर्सली बात कर रहा है, पूरा यूनिवर्सली यानी कि पानी का जो है नेचर ही होता है क्या होना, तो ठंडा होना होता है फ्रेंड। लेकिन देखिए यहां पे पानी ठंडा है, यहां पे आप खास पानी के बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है कि फ्रीजर से आपको पानी निकाल करके दिया हो और आप बोल रहे हैं कि पानी ठंडा है, ठीक है। लेकिन आप जो है इस सेंटेंस को देखिए, पानी ठंडा होता है, इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी पानी होते हैं वो क्या होते हैं, ठंडा होता है। पानी का नेचर ही होता है मतलब कि ठंडा होना। फ्रेंड इस सेंटेंस को देखिए, चीनी मीठी होती है या तो चीनी मीठी लगती है, ठीक है, चीनी मीठी होती है, चीनी मीठी लगती है। हम क्यों लिखते हैं ऐसा, हम क्यों नहीं लिख सकते हैं कि चीनी मीठी है, आप सोच करके बोलिए, क्या ऐसा लिखा जा सकता है फ्रेंड? ऐसा आप जरा सा सोच करके बोलिए कि क्या आप इस सेंटेंस को चीनी मीठी है आप कभी किसी को बोले हैं, बोलिए जरा सा, ठीक है। आप सोच करके देखिए, सपोज कि ये सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए, ऐसा लगता है जैसे कि आप जो है दुकान चीनी खरीदने के लिए गए हैं और आप दुकानदार से बोले कि 1 किलो चीनी तौल दीजिए, फिर आपको समझ में आया कि अरे रुकिए रुकिए रुकिए, ठीक है, पहले चीनी हमको दीजिए तो टेस्ट करके देखेंगे कि मीठा है कि नहीं, और आप चीनी को टेस्ट किए और फिर आप बोले कि हाँ हाँ चीनी मीठा है आप तौलिए। तो बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या आप ऐसा करेंगे कि आप चीनी लेने से पहले चीनी को थोड़ा सा टेस्ट करेंगे कि मीठा है कि नहीं है, ठीक है, आपको चीनी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं फ्रेंड? नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? कहने का मतलब यह है फ्रेंड कि आप जो है चीनी मीठी है नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि चीनी मीठी है आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि चीनी मीठी होती है, ठीक है, चीनी का नेचर ये होता है मीठा होना, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहे हैं हम? इससे तो एकदम क्लियर हो गया होगा फ्रेंड, ठीक है। चलिए, आदमी मरणशील होता है फ्रेंड, यहां पे होता है लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सली बात कर रहा है, यानी कि जितने भी इस धरती पर आदमी हैं वो सब का सब मरणशील है, चाहे वो कोई भी रहे, ठीक है। लेकिन जो ही फ्रेंड आप बोलेंगे ना कि आदमी मरणशील है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी खास आदमी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो जो है मरणशील है और बाकी लोग जो है वो अमरणशील है। आया समझ में? तो इसलिए हम लोग जो है इसको नहीं लिख सकते हैं कि आदमी मरणशील है। अब तो आ रहा होगा सब फ्रेंड समझ में कि आखिर क्यों हम लिखते हैं, क्यों रहता है, होता है, होता है, रहता है, लगता है, क्यों हम लिखते हैं, क्यों ऐसा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं फ्रेंड। शिक्षक दयालु होते हैं, यूनिवर्सली बात किया जा रहा है कि शिक्षक जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, दयालु होते हैं, पूरे होल के बारे में बात किया जा रहा है फ्रेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बच्चे नटखट होते हैं फ्रेंड। हम क्यों नहीं लिख सकते हैं कि बच्चे नटखट हैं, और यदि हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो उसका एक अलग तरह का मीनिंग देने लगेगा फ्रेंड। देखिए, बच्चे नटखट होते हैं कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड कि आपके घर के बच्चे, ठीक है, पड़ोसी के घर के बच्चे, हमारे घर के बच्चे, जितने भी बच्चे हैं वो सब का सब नेचर होता है, प्रकृति होता है उसका नटखट होना, ठीक है। लेकिन यदि आप ये बोलेंगे कि बच्चे नटखट हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आप एक पर्टिकुलर ग्रुप के बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं कि वो नटखट है। गॉट इट फ्रेंड? समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए देखिए, सूर्य गर्म होता है, सूर्य गर्म है नहीं बल्कि सूर्य गर्म होता है। फिर देखिए, सिंह बहादुर होता है, सिंह बहादुर है नहीं, ऐसा नहीं कि आप जो है 10 सिंह खड़ा है, ठीक है, 10 लायन वहां पे है और आप एक लायन को बोल रहे हैं हाँ ये लायन स्ट्रांग है, और बाकी लायन क्या है, आप भीड़ करके देख लीजिए तब आपको समझ में आ जाएगा कि वो स्ट्रांग है कि नहीं है। तो कहने का मतलब है कि सिंह बहादुर होता है, ठीक है, यानी कि सभी सिंह के बारे में बात किया जा रहा है। फिर देखिए, दूध लाभदायक होता है, ठीक है, दूध लाभदायक होता है, ठीक है, यानी कि सभी के लिए। आम मीठा होता है, आम मीठा होता है, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सली बात किया जा रहा है। गरीब ईमानदार होते हैं, ठीक है, ये भी जो है यूनिवर्सली बात किया जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपने? तो आई होप कि आपको जो है ये सारा का सारा जो है वो मतलब समझ में आ गया होगा, डिफरेंसेस आप जान गए होंगे, ठीक है, कि आखिर हम क्यों ऐसा लिखते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट में ना ये कंफ्यूजन होता है कि आखिर क्यों हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्यों? तो आपको तो समझ में आ गया होगा कि दूध उजला है, हम लिख करके क्या करेंगे, मान लीजिए लिख दिए, लेकिन कहाँ यूज कीजिएगा, किसको बोलने के लिए जाइएगा, क्या आप बोलिएगा? मान लीजिए आप मार्केट से दूध लेकर के आए हैं, तो आप क्या उधर से सरप्राइज आश्चर्य है एकदम दौड़े दौड़े आइएगा बोलने कि हाँ देखिए हमने जो दूध खरीदा है वो मीठा है, या दूध जो लिया है वो व्हाइट है। आप जरा सा सोच करके देखिए, इसमें सरप्राइज होने वाली क्या बात है भाई, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ऐसा नहीं लिखते हैं। देखिए, चीनी मीठी है, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं हम लोग,
ठीक है, चीनी मीठी लगती है हम लोग लिखेंगे, क्योंकि ऐसा लिखना जो है सूट नहीं करेगा, चीनी मीठी है क्यों बोलना चाहेंगे हम, आप खुद सोच करके देखिए। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड आपको जो है ये डाउट जो है वो सारा जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यदि आप इस सेंटेंस को यदि आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, चलिए वन बाय वन करके मैं बना ही देता हूं। देखिए, दूध उजला होता है तो यहां पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट हो गया, समझ में आया, क्योंकि मिल्क जो है यहां पे मटेरियल नाउन है, ठीक है, उसके साथ जो है थर्ड पर्सन आया हुआ है वर्ब मेरा, ठीक है। फिर देखिए, दूध मीठा होता है, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा फिर, मिल्क इज स्वीट, मिल्क इज स्वीट हो गया। पानी ठंडा होता है तो यहां पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, वाटर इज कॉल्ड, वाटर इज कॉल्ड, क्लियर हो गया। फिर देखिए, चीनी मीठी होती है या चीनी मीठी लगती है तो यहां पे क्या हो जाएगा, सुगर इज स्वीट, सुगर इज स्वीट, क्लियर हो रहा होगा फ्रेंड। फिर देखिए, आदमी मरणशील होता है तो यहां पे क्या हो जाएगा, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब होता है मरणशील, ठीक है, मैन इज मॉर्टल। फिर देखिए, शिक्षक दयालु होते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, टीचर्स आर काइंड, टीचर्स आर काइंड, ठीक है, सभी शिक्षक के बारे में बात किया जा रहा है। बच्चे नटखट होते हैं तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन आर नॉटी, चिल्ड्रेन आर नॉटी, समझ में आ गया होगा फ्रेंड। फिर देखिए, सूरज गर्म होता है तो क्या हो जाएगा, द सन इज हॉट, द सन इज हॉट, सिंह बहादुर होता है तो फिर क्या हो जाएगा, द लायन इज स्ट्रॉन्ग, द लायन इज स्ट्रॉन्ग। फिर देखिए, दूध लाभदायक होता है तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, मिल्क इज यूजफुल, मिल्क इज यूजफुल, गॉट इट, समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए, आम मीठा होता है तो क्या हो जाएगा, द मैंगो इज स्वीट, द मैंगो इज स्वीट। फिर देखिए, गरीब ईमानदार होता है तो क्या हो जाएगा, द पुअर आर ईमानदार का हो जाएगा, ऑनेस्ट। वैसे फ्रेंड ये सारा एग्जाम्पल जो है आपको जो है बुक में जो है दिया है, ठीक है, फिर भी मैंने ये सब डिफरेंसेस को आपको बता दिया, ठीक है, ताकि आपको जो है फ्यूचर में कभी जो है इस तरह का कोई डाउट जो है वो ना रहे, ठीक है, और आप जो है अच्छे से जो है समझ सके, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया फ्रेंड, ठीक है। अब जो है आपको मेरे लिए एक काम करना है, ठीक है, इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए, रिलेटिव्स के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है, ठीक है, इस चीज़ों को जो है, इन सारे कॉन्सेप्ट को जो है वो जान सके। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।